जनपद संभल के पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी। मिशन एनकाउंटर में जनपद संभल की पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को दबोचा। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी के बनियाठेड़ थाना क्षेत्र के नरोली का है, जहां पर बनियाठेड़ थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह जब नरोली की तरफ से थाने को लौट रहे थे, तभी उन्हें नरोली में स्थित सरकारी अस्पताल के पास 50,000 रुपए का इनामी बदमाश असद बाइक पर आता दिखाई दिया। जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वह बाइक लेकर नरोली से भटोर वाले रास्ते की तरफ भागने की कोशिश करने लगा। जब उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाने का एक सिपाही जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 50,000 रुपए का इनामी बदमाश असद गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदोसी गोपाल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि बनियाठेड़ थाना प्रभारी को नरोली से वापस आते समय सरकारी अस्पताल के पास बाइक पर 50,000 रुपए का इनामी बदमाश दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा करने पर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गो तस्कर, गैंगस्टर व वांछित 50,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसे हिरासत में लेकर दोनों घायलों को इलाज के लिए CSC चंदोसी में भर्ती कराया गया, जबकि इसके फरार साथी की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त से बाइक, अवैध शस्त्र, मैं जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। आज ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत नरौली गांव के पास में SO बनियाठेर अपने रास्ते से जा रहे थे, तो यहां पर एक 50,000 का इनामी क्रिमिनल है। इसका नाम असद है, ये नूरियो सराय संभल का रहने वाला है। ये गौवंश की तस्करी में और उसके कटान में पहले भी जेल जा चुका है, अभी गैंगस्टर में वांछित था। पिछले 15 दिन पहले पुलिस इसके यहां पकड़ने के लिए जब इसको गई थी तो इसके परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया था, तब से ये वांछित चल रहा था। तो अभी इसको सामने देखकर जब रोकने का प्रयास किया गया तो ये फायर करता हुआ इस खेत की तरफ भागा है। यहां पर रस्ते पर जब इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा फायर किया गया। जवाबी हमले में पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से इसके पैर में गोली लगी है और ये घायल हुआ है, इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसके साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी फरार है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसी तरह से संभल में जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, और इस तरह से जो लोग हैं जो पुलिस के टीम के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो उस पर भी लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। धन्यवाद।